हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 3 के बच्चों को साइंस की बुक रीडिंग कराऊंगी। चलिए देखते हैं आपके साइंस बुक को, अपना बुक देख लीजिए और चलिए इसके अब फर्स्ट लेसन के बारे में जानते हैं। इसका फर्स्ट लेसन है आपका माय फैमिली एंड मी। देखिए आपका फर्स्ट लेसन है माय फैमिली एंड मी, ये आपका फर्स्ट पेज है, देख लीजिए। ये आपका सेकेंड पेज है, ठीक है, आपका थर्ड। चलिए आपके फर्स्ट पेज पर जाते हैं। जो आपका फर्स्ट पेज है इसमें जो इसको रीडिंग करते हैं, और जैसे मैं बताऊंगी थोड़ा ध्यान से इसको देखते रहिएगा, जो मैं बताऊंगी सुनिएगा, ठीक है। अपनी फर्स्ट लाइन देखिए, कह रहा है कि आपका जो लेसन है माय फैमिली एंड मी। माय फैमिली मीन्स मेरा परिवार, एंड मी मैं, मतलब मैं हूँ और हमारा परिवार। देखिए इसके बारे में जानते हैं, अपनी फैमिली के बारे में। फर्स्ट लाइन आपका है ऑल द पीपुल एंड इवन पेट्स, कह रहा है कि सभी लोग, यहाँ तक कि जानवर भी, डेट लिव विद अस मेक आवर फैमिलीज। यहाँ देखिए सभी लोग, यहाँ तक कि जानवर भी, सभी लोग अपना क्या करते हैं, एक फैमिली बनाते हैं, सबका एक फैमिली होता है। फैमिली फैमिलीज कैन हैव यू फ्यू पीपल और मैनी पीपल, कह रहे जो फैमिलीज है वो छोटे, मतलब कम लोगों के ही, मतलब कुछ लोग भी या फिर अधिक लोग, यानी कि कई लोगों के मिला के भी फैमिली बनता है, और कुछ लोग में बहुत ज़्यादा, किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा में सब लोग ज़्यादा रहते हैं, और किसी में क्या होता है कुछ ही लोग रहते हैं, ठीक है। मेम्बर्स ऑफ यू फैमिली लव ईच अदर, कह रहा है कि मेंबर जो फैमिली के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से प्रेम एंड केयर फॉर एन अदर, यानी कि एक दूसरे का देख रेख करते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे से लव करते हैं, प्रेम करते हैं। चलिए आपका सेकेंड पैराग्राफ है, देखिए, फैमिली सेलिब्रेटेड ओकेशन लाइक बर्थडे, वेडिंग्स एंड फेस्टिवल टुगेदर, कह रहे जो फैमिलीज होते हैं वो एक साथ, मतलब किसी का बर्थडे हो गया, मतलब और वेडिंग, शादी विवाह, फेस्टिवल, कोई त्यौहार हो गया, ये सब लोग फैमिली लोग एक साथ मनाते हैं, ठीक है। फैमिली पिकनिक एंड हॉलीडेज, फैमिली जो होती है पिकनिक पे और छुट्टी मनाने, एक साथ स्पेंड टाइम एंड अपना टाइम अपना मेंबर के साथ क्या करते हैं, खर्च करते हैं, बिताते हैं समय, अच्छा लगता है सबको, ठीक है। व्हेन फैमिली मेंबर्स लिव स्पेरली, कह रहा है कि जब फैमिलीज में कोई एक जो भी है, जो कुछ फैमिली में, जैसे मान लीजिए कुछ लोग पास में रहते हैं, कुछ लोग मतलब दूर रहते हैं, तो जब अलग होते हैं तो स्पेशली मीट टू इन्जॉय दिस इम्पॉर्टेंट टाइम टुगेदर, और स्पेशली लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए समय देते हैं। चलिए भाई रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स क्या होता है, रिलेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। रिलेशन है जो आपका, देखिए पहला लाइन जो है, पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन फैमिली आर कॉल्ड रिलेटिव्स, कह रहा है कि जो रिलेटिव में कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए रिलेशन में कुछ होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड हो गए, तो मम्मी पापा के, मम्मी के रिलेशन के लोग हो गए, पापा के रिलेशन, मतलब इन्हीं क्या बोलते हैं, अपना रिश्तेदार बोलते हैं। चलिए ऑल, कह रहा है ऑल पैटर्नल रिलेटिव्स, जो पैटर्नल रिलेटिव्स है आर फ्रॉम द फादर्स फैमिली, कह रहा है कि जो फादर्स के फैमिली से लोग जुड़े होते हैं, जो लोग, वो कौन से हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स हैं। जैसे मान लीजिए आपके फादर से, मतलब कौन, मतलब कि आप जो घर पे मम्मी पापा, जैसे नहीं सॉरी, देखिए दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, चाची जी, बाऊ जी, ये लोग जो होते हैं, ये क्या होते हैं, पैटर्न, यानी कि आपके पापा के घर से लोग होते हैं, ठीक है। और जो मैं क्या दिया है इसमें, मैटरनल रिलेटिव जो है ना, ये आपके मम्मी के परिवार से लोग जुड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए नाना जी, नानी जी, मामी जी, मौसी जी, मौसा जी, ये सब आपके कहाँ के हैं, ये आपके मम्मी के यहाँ से, यानी कि ये क्या है, मैटरनल रिलेटिव, और जो पैटर्नल वो आपके पापा से, समझ में आ गया। उसे देखिए आपका एग्जाम्पल में दिया है दादाजी, दादी जी, ताऊ जी और चाची जी, बुआ जी, देयर आर चिल्ड्रेन, ये क्या है, पैटर्नल रिलेटिव है। वाइल नानी जी, नानी जो भी हैं, ये लोग क्या हैं, ये आपका मैटरनल रिलेटिव है। आप इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से कि मतलब कौन पैटर्नल है, कौन ये आपके रिलेशन के लोग, ठीक है। अब आपका है फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर, जो फैमिली मेंबर्स मतलब अपने जो परिवार में सदस्य लोग हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, कैसे, देखिए आपका मेंबर्स में फर्स्ट लाइन है, मेंबर्स इन द फैमिली हेल्प वन अदर, जो मेंबर्स मतलब फैमिली में जो सदस्य एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तारुस फ्रेंड, जो तरु है उसके, तारू फ्रेंड जो है, चारू लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स,
चारू के फ्रेंड है, वो चारू के पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है। चारू मदर मेक फूड फॉर द फैमिली, जो चारू की मम्मी है वो किसके लिए, फैमिली के लिए क्या करती हैं, फूड बनाती हैं, यानी कि भोजन तैयार करती हैं। गोज टू ऑफिस, और ऑफिस भी जाती हैं। सी रीड्स ए मेंबर्स ऑफ स्टोरीज, चारू जो चारू को क्या करती हैं, वो कुछ मतलब अच्छी अच्छी जो है कहानियाँ सुनाती हैं, ठीक है। आइए अब आपके नेक्स्ट पेज पे, चारूस फादर्स हैव शॉप फॉर द थिंग्स नीडेड इन द हाउस, जो चारू के फादर्स हैं वो शॉप पे मतलब कुछ वस्तु जैसे कोई सामान की दुकान रखे हैं, ठीक है। ही टेक्स द फैमिली आउट ड्यूरिंग वीकेंड्स, मतलब वो सप्ताह में एक बार जो क्या होता है अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको इतना थोड़ा सा समझ में आ रहा है, नहीं थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से बैक करके आप लोग पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए चारूस ग्रैंड मदर जो है हर मदर इन द किचन, जो चारू की दादी माँ वो क्या करती हैं, किचन में हेल्प कराती हैं, एंड ऑल्सो मेक ब्यूटीफुल ड्रेसेस फॉर हर, और उसके लिए अच्छे सुंदर से ड्रेसेस भी बनाती हैं। चारूस गेट ड्रॉप टू स्कूल बाय हर ग्रैंडफादर, जो चारू के दादाजी हैं वो उसको स्कूल ड्रॉप करते हैं, स्कूल पहुँचाते हैं, पिकअप हर आफ्टर स्कूल से भी लाते भी हैं। वाटर रिलेटेड गार्डन ही इवन हर विद हर होमवर्क, और जो उनका क्या करते हैं, उनको उनका होमवर्क भी कराते हैं चारू के। इस तरह दादाजी हेल्प करते हैं, दादी जी हेल्प करती हैं, मम्मी पापा, इस तरह फैमिली लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं। आपके भी फैमिली लोग इसी तरह रहते होंगे, आप इसको आप ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और पढ़ने का प्रयास करिए तो आपको पढ़ने आ जाए, ठीक है। इसको एक एक करके वर्ड करके आप लोग मीनिंग करके उसको एक बार पढ़िएगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आंसर है, कह रहा है हाउ इज़ ए फैमिली इम्पोर्टेंट, कह रहा है कि मतलब फैमिली इम्पोर्टेंट कैसे है, आपको पता ही है कि इम्पोर्टेंट कैसे, अभी हम बताएं आपको। हमारे लिए एक दूसरे का, हम लोग फैमिली में एक दूसरे का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दिया है सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, कह रहे कि हमारे पेरेंट्स जो है यानी कि मम्मी पापा एंड दादी दादाजी जो हैं वो लोग कैसे हेल्प करते हैं। तो मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, आपके लिए जो भी करती हैं किचन में, और आपकी दादी जी भी हेल्प करती हैं, और उसमें पापा आपके दुकान पे काम करते हैं, और आपके दादाजी आपको स्कूल ड्रॉप मतलब जो भी है अपना काम करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हु आर आवर पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेटिव्स, मतलब आपको बोले हैं ना पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेटिव्स के बारे में बता दिए हैं, जो पैटर्नल वो आपके पापा के यहाँ के लोग हो गए, और जो मैटरनल वो आपके कहाँ के हो गए, मम्मी के यहाँ के हो गए, ठीक है। अब कह रहे हैं सॉल्व द फैमिली क्रॉस वर्ड, अब देखिए जो वर्ड लिखना है, फर्स्ट नंबर क्रॉस वर्ड कह रहे हैं अदर नेम फॉर ए लॉन्ग ब्रेक एंड फन विद फैमिली, कह रहा है कि कुछ लंबे समय तक जो भी है कह रहा है कि तो उसको एक नेम मिला था, उसका आप देखिए फिलअप इसमें करना है, तो वेकेशन लिख दिए, छुट्टी लिख दिए। फिर सेकेंड नंबर आपका ए मेल पेरेंट्स कह रहा है, मेल पेरेंट्स जो आपके मेल में है यानी कि पुरुष में है, पेरेंट्स जो है वो कौन है, फादर है। देखिए पेरेंट्स दो लोग होते हैं, मम्मी है पापा होते हैं, उसमें फर्स्ट आपका क्या है मेल पूछ दिया है, तो मेल में आपका क्या होगा, फादर। थर्ड नंबर है योर फादर्स नाइस इज योर, कह रहा है कि आपके फादर की जो भतीजी है उसको क्या बोलते हैं, कजिन बोलते हैं। एक फीमेल पेरेंट्स जो है, फीमेल पेरेंट्स क्या है, मदर होंगी। योर मदर सिस्टर क्या होंगी, मौसी भी बोल सकते हैं, आंटी भी बोल सकते हैं। योर फादर्स ब्रदर्स एंड सन ब्रदर्स जो भी हैं ये क्या होंगे, आपके निफी होंगे, ठीक है। अब इस तरह आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर देखिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, आप क्वेश्चन नोट करने के बाद इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से इसको कॉपी में फिलअप करिएगा, जिसके पास बुक नहीं विद्यालय से बुक ले लीजिए, और इसको अच्छे से तैयार करिए। चलिए ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से तैयार करने के बाद आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट लेसन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग। थैंक यू।